हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ आज के फ्रेश वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूँ। तो चलिए, आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है निकल के आ रही है, सबसे पहले बात कर लेंगे कि इसमें पोजीशन क्या होने वाली है। डेजिग्नेशन जो आप लोगों को मिलेगी वो क्या मिलेगी? तो डेजिग्नेशन जो होने वाली है वो इंजीनियर्स के लिए है, ठीक है? आपको इंजीनियर्स की डेजिग्नेशन मिलेगी। और इसमें बात करते हैं लोकेशन की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि जो गोवा में किस इंडस्ट्रियल स्टेट में ये जॉब निकली है। तो देखिए, ये जो जॉब वैकेंसी है ये निकली है वेरना इंडस्ट्रियल स्टेट में, जो कि साउथ गोवा में है। जो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं वो लोग यहाँ वॉक इन इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है? और जो लोग किसी अदर स्टेट से आना चाहते हैं तो आप लोग जब भी आओ तो साउथ गोवा में ही आओ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो वेरना इंडस्ट्रियल स्टेट में काफ़ी सारी जॉब निकलती रहती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप वेरना इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए ही जॉब सर्च करो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की। इस पोजिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? इसमें जो मांगी गई है ये मांगी गई है डिप्लोमा, ठीक है? डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक होल्डर्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें डिप्लोमा किस स्ट्रीम से किया होना चाहिए आपने। तो देखिए, डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए ये ओपन है वैकेंसी, फ्रेशर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैकेनिकल वाले अगर एक्सपीरियंस्ड हैं या डिप्लोमा वाले अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो यहाँ अप्लाई करेंगे या नहीं। तो बिल्कुल, आप फ्रेशर हो तब भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो और एक्सपीरियंस्ड हो तब भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की, क्योंकि सैलरी का बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था मेरे पास कि सर सैलरी क्या मिलेगी। देखिए, अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पे 14,000 8 आवर्स की सैलरी मिलेगी। 8 घंटे की जॉब है यहाँ पे, 3 शिफ्टों में काम होता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 14,000 स्टार्टिंग मिलेगी, ठीक है? और इस कंपनी में क्या होता है कि अगर आपने 6 महीना 1 साल काम किया तो आपका इंक्रीमेंट कर देगी कंपनी, 3 से 4 हज़ार रुपये इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? 14,000 रुपये 8 घंटे की सैलरी होगी आपकी, प्लस फंड बोनस, ठीक है? और ओटी ये आपको मिलेगा। ओटी इसमें 4 घंटे का होता है अगर, लेकिन वो रोजाना का आपको ओटी नहीं मिलेगा इसमें। इसमें रोटेशनल शिफ्ट होती है, अगर आपका कोई बंदा नहीं आया अगले शिफ्ट का तो अगर आप उसकी जगह रुकते हो तो आपको एक ओटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? जितने घंटे भी आप रुकते हो उसके हिसाब से। अब इसमें बात करेंगे बेनिफिट्स की। तो देखिए, कंपनी आपको, कंपनी में कैंटीन है तो आप वहाँ जाके लंच कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। मिनिमम जो मतलब सब्सिडाइज रेट होता है, मिनिमम आपको कॉस्ट पे वहाँ लंच दिया जाएगा एक टाइम का, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में वहाँ काम करो, ठीक है? अब बात करेंगे इसमें दोस्तों अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अप्लाई करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके अपना CV सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है? और जो लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं वो, उनके लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है कई सारी वीडियोस में, तो आप वहाँ उसको चेकआउट करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिसको भी गोवा आने से कोई प्रॉब्लम है या कैसे आना है, क्या आना है, इस चीज़ के बारे में गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना मत जाना, और वीडियो को शेयर जरूर करें उन लोगों से जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब की तलाश में गोवा आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।